जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बिहार के सरकारी स्कूल की हालत देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। देखिए पूरी खबर, बिहार सरकारी स्कूल का क्या है हाल दिखाएंगे जगत न्यूज 24। देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां जनाब, देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार झारखंड स्टेट हेड आशीष कुमार के साथ आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देखेंगे बांका जिले की थौरिया प्रखंड की हैं, इससे आप दंग रह जाएंगे। अंतर्गत 80 गांव के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर आप दोबारा जा रहे हैं। देखिए बिहार के बांका जिले के सरकारी स्कूल की क्या है हालत। जी आप किस तरह वीडियो में साफ देख रहे हैं क्या हालत है यहाँ के सरकारी स्कूल की। जगत न्यूज 24 आशीष कुमार के साथ रंजन कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24, मैं हूँ आपके साथ आशीष कुमार। मैं अभी बांका जिले के धौरिया प्रखंड अंतर्गत जो कि ये प्राथमिक विद्यालय 80 में मौजूद हूँ, जाकर वहाँ का आपको स्थिति और नज़ारा ये दिखाना चाहूँगा कि वहाँ का मामला क्या है। ये मामला आपको हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप नल जो देख रहे हैं चपाकल, अगर इसको चलाइएगा ना तो इससे पानी नहीं टपकता है। जमते हैं क्या टपकता है? रस जो बच्चा को पीने में मीठा लगता है, लेकिन अगर चलाइएगा इसको तो इससे रस टपकता है, बच्चा को पीने में अच्छा लगता है। अब हम आपको स्थिति दिखाते हैं शौचालय का, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ पे स्वास्थ्य भारत मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं पे 80 प्राथमिक विद्यालय में इसकी धज्जियाँ उड़ते नजर आ रही है। आप ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है शौचालय की। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, वहाँ पे अगर बच्चे की स्थिति देखा जाए तो वहाँ पे बच्चे पानी को बोतल ला के वहाँ पे कवरेज पीने का काम करते हैं। ये तस्वीर है शौचालय का, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक मामला गौराडी का था। गौराडी में इसी शौचालय के कारण एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, और ये भागलपुर जिला का मामला था। ये चपाकल है और वहाँ का वहाँ पे सीधी तस्वीर देख सकते हैं, ये झंडा तोलन की है। ये झंडा तोलन है, हमको लगता है कि पता नहीं ये जो 15 अगस्त आया होगा कि झंडा तोलन हुआ है या अथवा नहीं हुआ है, ये तो हम आपको नहीं बता सकते। ये झंडा तोलन की है, अब पता नहीं क्या है इसमें स्थिति है। वहाँ के जो प्रधानाध्यापक है, हम इनसे भी बात करेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। अगर इतनी जर्जर स्कूल की स्थिति है तो इनका शिकायत अगर अगले बड़े अधिकारी को किए हैं अथवा नहीं किए हैं। अब इन बच्चे से भी हम जानना चाहेंगे, ये बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? क्या नाम है? हाँ ना, पानी कहाँ से लाती है तुम? पानी कहाँ से लाती हो? बोलो, डरना मत, बोलो कहाँ से लाती हो पानी? हाँ घर से लाती हो पानी? तुम्हारा नाम क्या है बाबू? कहाँ से लाती हो पानी बाबू? घर से लाती हो? आप ये देख सकते हैं, ये बोतल है पानी का, बच्चे को पानी के लिए घर से लाना पड़ता है पानी। हम इनके काम में बाधा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अभी ये इनका पढ़ाई का टाइम है। क्या क्या जानती हो बाबू? पन्नी जानती हो? पन्ने पढ़ाई होता है ठीक से? अच्छा, विद्यालय की जो तस्वीर दिखा रहे थे आपको, ये तस्वीर झूठा नहीं है, तस्वीर हकीकत है। आज तस्वीर हकीकत इसलिए है कि अगर वहाँ पे देखिएगा ना तो हम बैठते हैं, समझे? और ये देख रहे हैं, ये ताड़ का पत्ता है, क्या बोलते हैं इसको, गांजा, जिसको गांजा पिया जाता है, जिसमें गांजा भर के पिया जाता है। भैया जब तीसरे क्लास को बच्चे को ये नहीं मालूम है B4 क्या होगा, तो स्कूल की स्थिति आप तो जान सकते हैं क्या होगा। हमारे साथ बच्चे भी बहुत मौजूद हैं, ये देख रहे हैं, कई साला पागल उगल तो भूख तो नहीं रहा है। आप ये देख सकते हैं ना, ये तो ताड़ का पत्ता है जिसमें गांजा पिया जाता है। अब पता नहीं वहाँ के हम शिक्षा व्यवस्था पे क्या सवाल उठाए और वहाँ के जो विधि व्यवस्था है वहाँ इन पे क्या सवाल उठाए। प्रधानाध्यापक हैं, इनको भी हम पता नहीं इनको भी शिक्षा मंत्री का नाम मालूम है या नहीं है। हम ज़्यादा सवाल नहीं कीजिएगा, ज़्यादा सवाल कीजिएगा ना तो सरकारी काम में बाधा करने में केस भी कर देगा, ठीक है। हमारे मनीष काशिया भैया हैं सस्तक न्यूज के, इनपे भी केस हुआ है, 79 को हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए ज्यादा मत बोलिएगा नहीं तो केस भी हो जाता है पत्रकार के ऊपर भी, ठीक है। धन्यवाद। किस क्लास में पढ़ते हो? पचमा में पढ़ते हो? पढ़ाई होता है इसी? ईमानदार से पढ़ाई होता है? हा? सही में बोलना, पढ़ाई होता है? हा? पक्का होता है? मास्टर पढ़ाता है? मास्टर आता है टाउन पे?
होता है। अच्छा वहाँ पे सुने गांजा पिया जाता है, गांजा भी पिया जाता है? हाँ, वहाँ पर पीता है। गांजा पीता कहाँ कहाँ बैठ के पीता है? पक्का पे। देखते हैं, ये हम आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं, छोटा बच्चा है, बड़े को तो बोलने का हिम्मत नहीं है लेकिन छोटा बच्चा को हिम्मत है। ठीक है, सरफराज का एक वीडियो देखे थे ना आप जो वायरल हो रहा था, अब समझ लीजिए कि ये भी वायरल हो जाए अगर, छोटा बच्चा है और शिक्षा व्यवस्था भी ये सवाल उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो शिक्षा व्यवस्था में कोई ना कोई तो कमी जरूर है। अब तुम्हारा घर कहाँ हुआ? 80 घर हुआ, इसी स्कूल में पढ़ते हैं, पांचवा में। क्या क्या पढ़ने जाते हैं? अच्छा ये बताओ, ये फल क्या होगा? बी फल कुत्ता होगा। देखते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं तो वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं इनको कड़वा लग जाता है। कड़वा इसलिए लगता है कि अगर हम सवाल सही उठाएं, अगर ये दोनते हैं बी फॉल बोलता जानते हैं, डॉग मीन्स कुत्ता होता है। अब मान के चलिए बी फॉल हो गया, सी फॉल गायब हो गया, ठीक है, डी फॉल मतलब डी फॉल डॉग होगा, लेकिन ये बी फॉल डॉग बता रहे हैं। चलिए हम क्या ज़्यादा सवाल उठाएंगे, जो आगे प्रधानाध्यापक है एक बार इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे इसका क्या स्थिति है और कौन कौन मास्टर ड्यूटी पे है। पानी कहाँ चलाती हो? बोलो, डरना मत, बोलो कहाँ चलाती हो पानी? हाँ, घर चलाती हो पानी। तुम्हारा नाम क्या बाबू? कहाँ चलाती हो पानी बाबू? घर चलाती हो। आप ये देख सकते हैं ये बोतल है पानी का, बच्चे को पानी के लिए घर से लाना पड़ता है पानी, अब इनके काम में बाधा नहीं करना। है जो स्कूल में बोल रहा था कि यहाँ स्कूल में पढ़ाई होती है, शायद इसको कुछ इसका टीचर इनको बोल दिया गया था, इसी का जुबानी सुनते हैं। बताओ क्या हुआ था? सर बोला कि तो इसको बोलना कि पढ़ाता है स्कूल में, बोलना कि स्कूल में पढ़ाता है कि नहीं, बोलना कि नहीं पढ़ाता है, राजमार्ग खाता है और बैठ के खाली मैडम और सर गप करता है। कौन सर बोले? रशीद सर। क्या बोले? कहता है क्या ये नहीं बोलना कि राज नमाज खाता है बैठ के, अरे मैडम और सर। कौन जी राज निवास बैठ के खाता है? हाँ। कौन खाता है? सर। कौन सर? रजी सर। और क्या क्या होता है? गप करता है। हाँ। और तुमको बोलता है कि ये सब बात मत बताना। हाँ। और क्या क्या होता है? और कुछ नहीं। पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। जो प्रधानाध्यापक है इनसे भी तस्वीर करनी है, आप कैमरा मैन से कह रहे हैं कि थोड़ा अपने भी कर ले कैमरा को। इसी में शिक्षा मंदिर बोला जाता है इसको, ये शिक्षा मंदिर है, आपको हम दिखा जो रहे हैं, ये शिक्षा मंदिर है। आप तो हमको लगता है इंजीनियर का तारीफ लगता है, कैसे इंजीनियर ये ढलाई किया है, हमको इसका तारीफ लगता है। आप ये देख सकते हैं ना किस तरह गढ़ता है, ये शिक्षा बरस रहा है वहाँ से, ये प्राथमिक विद्यालय 80 से शिक्षा बरस रहा है। अगर ये कुछ बड़ा अनहोनी हो जाए, ये छत देख रहे हैं ना, छड़वा तो देख रहे हैं ना मालिक, ये छड़वा ना जानते हैं क्या है, वहाँ का स्कूल का ना पेंसिल और पेन है, इससे ही लिखना है बच्चे को, इससे से पढ़ना है। वहाँ के तो आप पांचवा क्लास का बच्चे को ये नहीं मालूम है कि वहाँ का शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। और बिहार अगर अपना निचले देश राज में गिनती आता है तो सबसे पहला बात है शिक्षा, अगर शिक्षा पे अगर हम लोग सवाल कर दें तो आंदोलन हो जाता है, अगर ज़्यादा बोलिएगा ना तो सरकारी काम में बाधा करने के केस में आप पे केस भी कर देगा, ठीक है, लेकिन हम डरते नहीं है केस और मुकदमा से, अगर हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर केस हो, लेकिन हम सच्चाई तब भी दिखाएंगे। आप स्थिति देख सकते हैं ना, ये स्वास्थ्य भारत मिशन है, अगर बच्चा बैठेगा देखते हैं, ये देखिए ये बच्चा का बैठने का भविष्य है। अभी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब ये स्कूल की बाउंड्री वॉल है जो कि आप देख सकते हैं, और ये देखिए ये भी हम दिखा रहे हैं, ये स्वास्थ्य भारत मिशन है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस योजना को चलाया था, और इस योजना का इसी स्कूल में धज्जियां उड़ रहा है, धज्जियां एक जगह नहीं उड़ रहा है, अगर बच्चे का भी देखिएगा ना वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, इसका भी देखिए वहाँ पे स्थिति क्या है, देखिए ये बैठे हैं बच्चे और वहाँ पे दिखाइए इनको, हमको लगता है स्कूल की साफ सफाई नहीं होती होगी,
क्या नाम है बाबू तुम्हारा? राज कुमार जी। किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? तीसरा में। अच्छा, ए फोर क्या होता है बाबू? बी फोर। बी फोर क्या होगा? नहीं जानती हो? क्या नाम है तुम्हारा? राज कुमार। अब ये तीसरा में पढ़ती है, इनको ये नहीं मालूम है बी फॉल क्या होगा। आप समझ सकते हैं क्या होगा बच्चे का भविष्य, ये तो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री ही बताएंगे। और हम बाका जो डीएम हैं इनसे भी हम गुजारिश करेंगे ऐसे स्कूल पे ध्यान दे और जो बच्चे की भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये खिलवाड़ ना हो। नमस्कार, आप देख रहे थे जगत न्यूज़ 24। हमारे साथ